इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 27 अगस्त के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। विमानन के इतिहास में 27 अगस्त का काफी महत्व है। इसी दिन वर्ष 1939 में जेट इंजन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से पहली उड़ान भरी थी। देश दुनिया के इतिहास में 27 अगस्त की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1604 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति स्थापना की गई थी। 1781 में आज ही के दिन हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्लीलोर का युद्ध लड़ा था। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति दोराबजी टाटा का जन्म आज ही के दिन 1859 में हुआ था। उन्होंने टाटा स्टील की नींव रखी थी। आज ही के दिन 1870 में श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई थी। ये भारत का पहला मजदूर संघ था। सदी के महानतम क्रिकेटर सर जॉन जॉर्ज ब्रैडमैन का जन्म आज ही के दिन 1908 में हुआ था। आज ही के दिन 1939 में जेट इंजन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से उड़ान भरी थी। 1963 में आज ही के दिन खाकसार आंदोलन के जनक और पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति इनायतुल्लाह खान मशरकी का निधन हुआ था। भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली का जन्म आज ही के दिन 1972 में हुआ था। आज ही के दिन 1976 में भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जी अली राम को मिलिट्री नर्सिंग सेवा का निदेशक नियुक्त किया गया था। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का निधन आज ही के दिन 1979 में हुआ था। महान समाजसेवी और आध्यात्मिक गुरु आनंदमयी माँ का निधन आज ही के दिन 1982 में हुआ था। आज ही के दिन 1990 में वॉशिंगटन स्थित इराकी दूतावास के 55 में से 36 कर्मचारियों को अमेरिका से निष्कासित किया गया था। 1999 में आज ही के दिन सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी थी। आज ही के दिन 1999 में भारत ने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहाँ बंदी बनाए गए पाकिस्तानी युद्ध बंधुओं को रिहा किया था। 2003 में आज ही के दिन 60,000 वर्ष के अंतराल के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचा था। आज ही के दिन 2004 में वित्त मंत्री शौकत अजीज पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का निधन आज ही के दिन 2006 में हुआ था। आज ही के दिन 2008 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.के. माथुर को सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। 2009 में आज ही के दिन बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया था। पार्टी के संस्थापक कांसी राम के उपरांत वे लगातार इस पद पर बनी हुई है। आज ही के दिन 2013 में उत्तर प्रदेश के बदनाम दंगों में से एक मुजफ्फरनगर का दंगा भड़का था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।